भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जैसे पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चितपेड़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधारा गांव के बारे में। आखिर क्या है इस गांव का रहस्य, क्यों ये सदियों से वीरान पड़ा है, कैसे ये गांव रातों रात खाली हो गया था। कुलधारा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब यह गांव खंडर न होकर एक आम गांव की तरह था। इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्यास दीवान सिंह की गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान सिंह उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि बस उसको पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान सिंह ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान सिंह को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहद में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते समय उन ब्राह्मणों ने इस जगह को शराब दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिन्हें दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कुलधारा गांव घूमने आए टूरिस्टों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है रहती हैं और महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों की आवाज़ आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनाया है जिसे दिन में खोल दिया जाता है और रात को बंद कर दिया जाता है। यहां एक मंदिर है जो आज भी उस शराब से मुक्त है। एक बावड़ी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती सीढ़ियां हैं। कहते हैं यहां शाम ढलने के बाद कुछ आवाज़ें आती हैं। माना जाता है कि वो आवाज़ें 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत हुआ आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल की टीम ने यहाँ रात बिताई। टीम ने माना कि यह कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही ड्रोन कैमरा हवा में गोता लगाते हुए ज़मीन पर गिर गया,
जैसे किसी को वह कैमरा मंजूर न था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछ सकते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया, जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने नाम भी बताए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन में दबा रखा था। यही वजह है कि जो भी यहाँ जाता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। आज भी जगह जगह खुदा हुआ मिलता है। आपका क्या मानना है कि यहाँ सच्ची में आत्माओं का वास है, या फिर लोग जानबूझकर इस तरह के अफवाह फैलाते हैं ताकि वहाँ डर के मारे कोई न जा पाए और वो आराम से वहाँ खुदाई कर सके? कमेंट में ज़रूर बताएं।